एक समय की बात है कि एक चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन जोरदार बारिश हुई और वो पेड़ टूट गया और उस पेड़ के साथ ही चिड़िया का घोंसला भी टूट गया। अब चिड़िया बेघर हो गई। चिड़िया उसके बाद एक पेड़ के पास गई और उस पेड़ से रहने के लिए आसरा मांगा। उस पेड़ ने उसे आसरा देने से मना कर दिया। उस पेड़ ने कहा कि तुम मेरे ऊपर घोंसला नहीं बना सकती। फिर चिड़िया एक दूसरे पेड़ के पास गई और उससे रहने के लिए आसरा मांगा। तो दूसरे पेड़ ने चिड़िया को रहने के लिए आसरा दे दिया और कहा कि तुम खुशी खुशी मेरे ऊपर घोंसला बना सकती हो। इसके कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर से जोरदार बारिश हुई और चिड़िया ने देखा कि जिस पेड़ ने उसे आसरा देने से मना किया था वो पेड़ टूट चुका है और वो पानी में बह रहा है। वो चिड़िया उस पेड़ के पास गई और कहा कि देखिए, आपने मुझे आसरा देने से मना किया था और आज आप टूटकर बह रहे हैं। उस पेड़ ने कहा कि तुम्हें जो कहना है वो कह लेना, पहले मेरी बात सुन लो। जिस बारिश में तुम्हारा घोंसला टूटा था, जिस पर तुम पहले शुरुआत पेड़ पर रह रही थी, वो जब टूटा था उस बारिश में मैं भी खड़ा था और उसी बारिश में मैं ये समझ चुका था कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता। मुझे पता चल गया था कि अब अगर बारिश हुई तो मैं टूट जाऊंगा और अगर मैं टूट जाऊंगा तो मेरे साथ तुम्हारा घोंसला भी टूट जाता। अगर मैं तुम्हें आसरा देता, तुम मेरे ऊपर घोंसला बनाती, तो इस वक्त तुम्हारा घोंसला और तुम्हारा घर जो तुम्हारा आश्रय है वो दोनों ही बर्बाद हो चुका होता। अगर मैंने तुम्हें आसरा नहीं दिया तो इसके पीछे मेरी लालच सिर्फ इतनी थी कि मैं नहीं चाहता था कि जो तुम्हारा घर है, तुम मेहनत करके जो घोंसला बनाओ, वो बर्बाद हो जाए। मैं ये समझ चुका था कि मेरे ऊपर बनाया घोंसला तुम्हारा ज़्यादा दिनों तक आशियाना नहीं रह पाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने ऊपर घोंसला बनाने से मना किया था। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद चिड़िया ये बात समझ चुकी थी कि पेड़ ने उसे क्यों अपने ऊपर घोंसला बनाने की इजाज़त नहीं दी। पेड़ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि चिड़िया के फायदे के लिए ही उसे अपने ऊपर आसरा देने से मना किया था। तो इसी तरीके से हमारे ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें अपने साथ नहीं रहने देते, या फिर हमसे दोस्ती नहीं करते, या फिर हमारी कभी मदद नहीं करते हैं, या फिर हमसे दूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो व्यक्ति घमंडी है, या फिर वो व्यक्ति हमारी मदद नहीं करना चाहता, या फिर वो हमसे नफरत करता है। ऐसा हो सकता है कि वो हमसे दूर जा रहा है या हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे हमारा ही फायदा हो। जब तक हम पूरी बातों को नहीं समझ लेते, पूरी चीज़ों को नहीं समझ लेते, तब तक उसे दोषी ठहराना सही नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि उसके साथ रहने से, उससे दोस्ती करने से, या फिर उसकी मदद लेने से हमारा ही नुकसान हो जाए। और ये बात को वो अच्छी तरीके से समझ रहा है, इन बातों को वो अच्छी तरीके से जान रहा है, इसीलिए वो हमारी मदद नहीं कर रहा, या फिर हमारे साथ नहीं रह रहा, या फिर हमसे दोस्ती नहीं कर रहा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले, किसी भी व्यक्ति को खराब कहने से पहले, घमंडी कहने से पहले, या फिर ये कहने से पहले कि वो हमारी मदद नहीं कर रहा है, या फिर उनसे रिश्तों को तोड़ने से पहले कम से कम एक बार जरूर सोचने, या हो सके तो समय का इंतजार जरूर करें ताकि सभी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ सकें और ये भी समझ सकें कि शायद ऐसा हो सकता है कि इससे आपका नुकसान हो और आपको नुकसान से बचाने के लिए ही वो व्यक्ति आपसे दूर हुआ हो या आपकी मदद नहीं की हो। एक बार सभी बातों को जरूर समझ लेनी चाहिए और हो सके तो समय का इंतजार करना चाहिए ताकि हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें और देख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन बातों को अच्छी तरीके से समझ सकें और हो सके तो वो थोड़ी बातों के लिए, या फिर कोई उनसे दूर हो रहा हो इसलिए, या फिर उनकी मदद नहीं कर रहा हो इसलिए, पूरी की पूरी रिश्ते को तोड़ने से बच जाएं और पूरे रिश्ते को न तोड़ें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।